ठीक, कभी किसी को बुरा ना कहें, ये भी एक व्यक्तित्व विकास का सेंटेंस है। बिना पैसे की सलाह ना दें, ठीक है, फ्री में हर जगह कमेंट ना मारें, मारते हैं ना, क्या होता है, समय बर्बाद होता है, हैं, देखो नीले रंग की शर्ट पहन चले आए, है ना, मुंह देखो इनका, सेंटेंस कितना काला है, कितना बदसूरत है ना, स्टेटमेंट है ना, क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ठीक। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव अबाउट एवरीवन, ठीक, आप देखिए हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, आपकी पर्सनालिटी अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व तो अपने आप परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। खाली दिन भर में 10 लोगों की तारीफ कर दो, 10 लोगों से दिन भर में थैंक यू बोल दो, ठीक है, 5 लोगों से गलती करो तो सॉरी बोल दो, ठीक, आप देखो आपके व्यक्तित्व में अपने आप अंतर आना शुरू हो जाएगा। आपको लोग जो जिद्दी कहते थे, हठीला कहते थे, लड़ाकू कहते थे, उनका नज़रिया आपके प्रति बदलने लगेगा, लेकिन कहाँ संभव है भाई, क्यों कहें, क्यों ना बुराई करें, साफ साफ कि मेरे तो मन में जो होता है मैं वही बोल देता हूँ, मेरा दिल बहुत साफ है। अगर इतना साफ होता तो जो दिखते हो वो ना दिखते आप, कि जो मन में आया वो हम बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता, वी हैव टू कंट्रोल आर इमोशंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन देखिए क्या साइंस होती है, कम्युनिकेशन की साइंस क्या होती है, कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन में कितने लोगों का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन में कितने लोगों का होना जरूरी बताइए, कौन कौन, अच्छा बस दो चीजें, चलिए बोलने वाले को हम कह देंगे सेंडर और सुनने वाले को रिसीवर, बहुत बढ़िया, ठीक, द पर्सन हु सेंड्स मैसेज, ठीक, मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए, हर जगह पर दो लोग कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ठीक, कई तरीके का कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होता है, मोनोलॉग होता है, डायलॉग होता है, बहुत तरह का कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन पे पूरी बुक है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, आधे घंटे का टाइम हमारे पास कम्युनिकेशन का, ठीक है। मोनोलॉग मतलब जब एक व्यक्ति बोलता है और बहुत सारे लोग सुनते हैं, ठीक है, जब स्पीच होती है, ठीक। कन्वर्सेशन मतलब जब कई लोग आपस में डिस्कस करते हैं, डायलॉग मतलब संवाद जब दो लोग आपस में बोलते हैं, इंटरव्यू भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, ठीक है, डिस्कशन भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, ठीक, आर्ग्यूमेंट्स भी कम्युनिकेशन का हिस्सा, बहस वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। आप ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं, बहस का कभी हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ठीक। जब आप मोनोलॉग पर हों तो प्रिपेयर करके जाएं, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, दो तरफा कम्युनिकेशन होता है। अगर केवल सेंडर और रिसीवर रखेंगे, तो क्या होगा, तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, हमने कुछ दिया और आपने उसको ले लिया, बात पूरी हो गई, आपने सामान खरीदा दुकानदार से, दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, बात खत्म हो गई ना, कि है कुछ बचा है भी, हैं, प्रोडक्ट अच्छा ना निकला तो फीडबैक इज रिक्वायर्ड, वाई फीडबैक इज रिक्वायर्ड, हाँ पुस्तक ठीक से पहुँचा है नहीं पहुँचा, फीडबैक क्या, हाँ बताइए अच्छे से, क्या स्टैंड अप एंड टेल व्हाट इज, हाँ वाई, जी इसके लिए क्या करेंगे, फीडबैक अच्छा है इसके लिए क्या करेंगे, क्या हर जगह फीडबैक मिलता है, भाई मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, अभी दो घंटे बाद जाऊँगा तो कोई ना कोई आएगा कि कैसी रही क्लास, है ना, पूछेगा, ठीक है। अब मुझे वो कितना पता चलता है ये एक अलग बात है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट वो है, जो मैनेजमेंट है वो एक बार जज करेगा ना। ऐसे ही जब आप लोगों से बात करते हैं, जैसे दुकानदार ने प्रोडक्ट दिया और आपने ले लिया, तो मामला वहीं ख़त्म हो गया कि है अभी बचा है कुछ,
मामला वहीं ख़त्म हो गया कि बचा है कुछ? हाँ हाँ प्रोडक्ट का क्या फीडबैक आया? प्रोडक्ट का क्या फीडबैक आया? अगर उस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो अगली बार वो प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा। प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, रिलेशन बिटवीन शॉपकीपर एंड कस्टमर, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं कोई बात नहीं। अगर वो शॉप कस्टमर फिर से शॉपकीपर के पास जाता है और कहता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, तो आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। यार फिर जहाँ मन हो वहाँ ले लो, तुमने कहा मैंने दे दिया। या आप ये भी कह सकते हैं भाई साहब वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, ये वाला ले जाइए, ये उससे बेटर प्रोडक्ट है, रिकमेंड किया आपने, वो ले गया, उसने फीडबैक हाँ ये अच्छा था। इससे क्या हुआ? शॉपकीपर का बिजनेस बढ़ा। ठीक, जब हम बोलते हैं तो हम ये नहीं ध्यान रखते कि हम किससे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। सोचते हैं, कहते हैं कि मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इज नॉट इन द वर्ड, शब्दों का जो अर्थ होता है वो कभी शब्दों में नहीं होता, फिर कहाँ होता है? नहीं नहीं आपके बोलने में होता है भाई, समझने वाले में थोड़ी होता है। आपने पापा से कभी रिजल्ट पे साइन कराया है जब आप फेल हो गए हैं और नंबर कम आया है? कब कराते हैं? कराया है कि नहीं कराया है? नहीं कराना होता? रिपोर्ट कार्ड पे साइन सब कराते हैं। अच्छा पैसा मांगा है कभी पिकनिक पर जाने के लिए? कितने लोगों ने मांगा है? चलिए आप लोग नहीं मांगते, खुद ही कमाते हैं, रिजल्ट पे साइन भी नहीं कराया। कपड़ा खरीदने के लिए पैसा मांगा है कभी? मांगा है ना, कब मांगते हैं बताइए? जब तनख्वाह मिलती है बेटा, है ना, 5 से 10 तारीख के बीच में, पहली चीज़। ठीक, दूसरा जब मूड अच्छा होता है। इन्हीं की लड़े बैठे हैं और आप जाकर के मांग लेते हैं। क्या करते हैं? समय देखते हैं। क्या करते हैं? समय देखते हैं। इज़ इट द राइट टाइम फॉर द कम्युनिकेशन और नॉट, ये आपके मतलब की बात थी, आपने इस चीज़ को समझा, ये आपके मतलब की बात थी, आपने इस चीज़ को समझा। ठीक, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन, कि आप उस जो स्किल है कम्युनिकेशन की जो है उसका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं। तो सेंडर, अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर, अगर आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होता है? क्या पास करता है सेंडर रिसीवर को? मैसेज पास करता है। मैसेज कैसे पास करता है? थ्रू चैनल पास करता है। इसमें पॉलिटेक्निक वाले बैठे हैं क्या? कुछ पॉलिटेक्निक वाले बैठे हैं क्या? बीटेक वाले? चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। तो ये ध्यान देना कि हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा मैसेज क्या है। मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारा रिसीवर है वो कौन है, उसकी उम्र क्या है, उसका लेवल क्या है, ठीक है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका हमसे रिलेशन क्या है।